एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर वीकेंड के वार का शूट, और ऐसे में यहां पर एल्विश यादव की हुई धमाकेदार एंट्री। जी हां, वीकेंड के वार के मौके पर एल्विश यादव अपने दोस्त को यानी कि लवकेश को सपोर्ट करने के लिए घर के अंदर आए, लेकिन ऐसे में बिग बॉस ने दे दिया एल्विश को एक बहुत बड़ा टास्क। एल्विश से पूछा गया कि कौन है उसके टॉप 5, बताइए रैंकिंग। और ऐसे में वीकेंड के वार में एल्विश यादव ने अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स बताए, अरमान को सबसे बड़ा झटका दे दिया। वेल, कौन है एल्विश के टॉप 5 कंटेस्टेंट सुनकर आपके भी उड़ेंगे होश। चलिए, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर बार बार लवकेश को टारगेट करता है अरमान मलिक, और ऐसे में इस बार एल्विश यादव अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए आए थे। जिस तरीके से बार बार लवकेश को ये बोला जाता है कि तू मैनेजर है एल्विश का, अरमान को जवाब देने के लिए खुद आना पड़ा एल्विश को, और एल्विश ने यहाँ पर आकर ऐसी कम तैसी कर दी अरमान मलिक की। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एल्विश ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग इस शो में वो इंसान तो टॉप 5 में जाना डिजर्व ही नहीं करता जिसके ऊपर बाहर गंदे गंदे केसेस चल रहे हैं, और इसीलिए मैं उसको टॉप 5 में लूंगा ही नहीं। मेरे लिए अगर कोई नंबर 5 पर है तो वो है रणवीर जी। रणवीर जी शो में अच्छा खेल रहे हैं, ऑडियंस को भी पसंद आ रहे हैं और मुझे भी पसंद आ रहे हैं। ऑनेस्ट है, इरिटेट हो जाते हैं कई बार भाई की बात से, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो टॉप 5 में जाना डिजर्व करते हैं। जिसके बाद एल्विश ने अपना नंबर 4 बताया, और एल्विश का नंबर 4 पर थी सना मकबूल। एल्विश ने कहा कि नंबर 4 पर सना मकबूल होना डिजर्व करती है। सना बहुत अच्छा खेल रही है और उसका जो गेम है वो स्मार्ट गेम है। वो हर किसी को अपनी बातों में उलझा कर कहीं ना कहीं शो में आगे निकल रही है, और उसको देखने में फैंस को भी बहुत मजा आ रहा है। नंबर 3 की पोजीशन पर एल्विश ने किसको रखा, तो नंबर 3 पर रखा एल्विश ने सबकी प्यारी शिवानी कुमारी को। एल्विश ने कहा शिवानी नंबर 3 पर होना डिजर्व करती है, वो रिश्ते दिल से निभाती है, अच्छे से निभाती है, और इस घर के अंदर वो किसी भी फिजूल की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती है, सच्ची है, और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग वो नंबर 3 पर होना डिजर्व करती है। लेकिन एल्विश ने नंबर 2 की पोजीशन पर रखा विशाल को। एल्विश ने कहा विशाल अपने भाई का साथ भी दे रहा है और साथ ही साथ विशाल गेम में अच्छा भी खेल रहा है, इसीलिए मैं विशाल को नंबर 2 की पोजीशन दूंगा। लेकिन फिर आई बारी नंबर 1 की, तो जाहिर सी बात है कि एल्विश यादव नंबर 1 की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई लवकेश को ही दे सकते थे, और ऐसे में उन्होंने लवकेश को ही नंबर 1 की पोजीशन दी। वेल, दोस्तों, ये थे एल्विश के टॉप 5। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है एल्विश की रैंकिंग या नहीं, कमेंट्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।